उल्टी सीधी शादियों से खाने खाएंगे तो फिर गले ही तबाह होंगे आपके। उल्टी सीधी शादियां क्या होती है? वो तीन शादियों में देखा है, लगे हुए हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। इसमें उल्टी सीधी क्या हुई? उल्टी सीधी होती है कि भाई कस्टर्ड खा के निकले, आगे बीफ बना हुआ है, किंदा जम गया। सर पहली बात तो ये बीफ वाली शादियों पे ये नहीं जाते, दूसरा ये कि थींदे वाली शादियों पे भी नहीं जाते, तीसरा ये कि मैं तुहाड़ी दानिशवरी दे भी सदके जावां, 36 मिनट दा प्रोग्राम केस खाचना तुसी बैसंड है। पुन्नू साहब की बात कर रहे हो? मैं तुहानू कहा सी जज ने पुन्नू साहब कहा ना तो मैं अपने आप नू फेर मार लिया। नहीं वैसे ही तुम मुझे बुरे लग रहे हो चंद दिन से। अच्छा नामे मौला हुण नहीं लड्डू बन गया आउंदा। वो तो तुम्हें लड्डू खुद तलाश करता फिर रहा बच्चू। बड़ियां चोरियां कीतियां उन्ने। अच्छा करदा हर वी फड़िया भी जांदा खाच दी खाच। असीं मुर्शिद दी नीचे तो चुकी नहीं फड़ेगा। तो और चीजें उठाते हो, सिर्फ खाने पीने की चीजें करता। पर अब नहीं करता। अब क्यों, को नेक हो गया वो? नहीं उसे ब्लड प्रेशर हो गया। जदों दा डॉक्टर ने उन्हें दसिया ना तेनों ब्लड प्रेशर हो गया, ये खुलियां चीजें छड़ के उसके सामने फिर रहे। बल्कि पिनियां दा डब्बा खोल के इशारे कर रहे पिनियां डब्बे में नहीं आती, टोकरे में आती है। टोकरे में डब्बे चाहिए, अल्लाह की सौ रोटी वाले डब्बे, एक पिनी पई होती। हाँ जी साइड पे उते रोटी पई होती, उते सालन पिया होता। पिनियां तो बनाती सी मेरी अम्मी, अलसी दी पिनियां भाजी, गरम गरम पिनी। अलसी की पिनियां तो उकाशा बहुत अच्छी बना। नंबर वन उकाशा, वाह सर। और नंबर टू हमारा एक कैमरा मैन है एहसान, उसके घर की बहुत शानदार पिनियां। नंबर तीन हो सकता है तुम्हारी की। वैसे तुझी शुरू की था पिनियां दे नंबर, मिठाइयां दे नंबर, बर्फियां दे नंबर, तो होता है ना कैटेगरी होती है किस लेवल की, नंबर टू नंबर थ्री। अच्छा जड़ी तुझी हो गए ना बर्फी एक नंबर केड़ी। इस वक्त नंबर वन बर्फी पता किसकी है? साका। साका इज नंबर वन अगेन। ये बात मुझे पता था सर। सर मेरा वोट हमेशा से उसके साथ था, आप दूसरी बर्फी की तरफ चले गए। नहीं साके ने फाइट बैक किया है और हैरान कर दिया। और कोई नौजवान नहीं है जो रिबेल करे, वो बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उसने कहा जी नंबर टू मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या कहने डॉक्टर साहब? क्या कहने, माशाल्लाह अशरफियां वाली थैली होंगी। अच्छा जी आज मुझे क्यों बुलाया है? सिर्फ रेस्ट करनी, तो गला नहीं है सही है आज। आपका गला ठीक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आज लतीफे से निजात मिलेगी। नो 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 नो, लतीफे का गले से कोई ताल्लुक नहीं, उसका लितरों से है। और नहीं नहीं लतीफा दिल से होता है, दिल से होता है। आवाम के दिलों में से कैसे निकालोगे मुझे? मैं जनाब बड़ा मिस कर रहा था। किसको? गार्डन नु जनाब, क्योंकि यार भौंसला है तुहाडा, मैं तो शाह साहब नाल एक घंटा ना कड़ा। ओ और ये कह कौन रहा? आप देखिए अंदाजा इसी से अंदाजा कर लिया। सुनो आज इसको वापसी पे ये किराया दे के जाना है। वो तो दे दे से आप क्यों जा सकते हैं? वो हमारे पास आसरा, साडे को सिर्फ आन जान दा ही है। शाह साहब वो अरबों रुपया किधर गया? कौन सा अरबों रुपया? दो तीन गाड़ियां हैं वो बेटे चलाते हैं, हम तो इनके साथ फकीर लोग हैं आपको पता है। अच्छा ये भी एक अजीब तरीका है कि सारा कुछ बेटों को दे दिला के खुद बंदा फकीर हो जाता। मैं तो भाईजान यकीन करो बस अब कमरे में अकेला बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स पे आजकल क्या देख रहे हैं? बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ, चाओ। अच्छा बेड़ा पहले ही गले का गरक था और ज्यादा हो गया है, अब तो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कौन सा देख रहे हैं आजकल? मैं आजकल देख रहा हूँ 14 Peaks, दिस इज गुड। एक नेपाली है जिसने 6 महीने में 14 चोटियां सर की और सारी की सारी 8000ers। वो जो 48 घंटे में 2 8000। जी जी जी, और ये मौजजाती रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं हो सका। रियल स्टोरी है? जी रियल स्टोरी। और वो लड़का है भी बड़ा, ऐसे काम नॉर्मल बंदे नहीं करते। तो दिमाग में फुद, वो कहते हैं ना ख्वाब वो नहीं होता जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब तो वो होता है जो आपको सोने ना दे। क्या बात है, क्या बात है बागी साहब। यहो बंदा चांद पे पहुंच के 10 मिनट बाद स्टेटमेंट देता है, यार मैं थले ठीक से। अच्छा ये किनके बारे में बात कर रहे हो? ये बागी साहब से इन्वॉल्व हूं। छोले ले लैन यार, आधे क्यों नहीं पेवे मुल्तान? आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। अच्छा पसंद नाल खांदे की होए दसो, वन डिश जो भी है। आजकल क्या पकान दे? ज्यादातर मैं तीतर खा रहा हूँ। बहुत ज्यादा तीतर तो है ना अपने उधर? नहीं 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 है। नहीं 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 मैं आपको तीतर खिलाता हूँ और मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे घर से अच्छा तीतर कहीं आपने नहीं खाया। अच्छा वैसे बनाते भाजी किस तरह? भुजिया।
छोटी लतीफे की कहना थी से क्या बर्जस्ता क्यों भाई भाईजान भाजी इतर छे ते मैं खाने ये सोच लेना पागल तो नहीं हो तुम एक तीतर भी खा लो तो गनीमत है चलो छे तीन है मुर्शिद भी अन्नेवा खांदे ने इतर तो मैं छोड़दा नहीं ओए हो एक दिन इन्होंने छे तीतर खादे ने भाजी ए सानू थर पार कर दे आखरी सिरे तो जाके लबे आ दौड़ लाती है एने 133 की कामयाबी पे बात नहीं हो रही भाई ये वैसे है आपकी अचीवमेंट है मैं समझता हूं थैंक यू सो मच लेकिन आप शुक्रिया अदा करें पीटीआई का जमशेद चीमा का वरना ये सारे वोट जो आपका तो 2500-3000 होते 4000 शहबाज शरीफ ने कहा भी है कि पीपीपी शुक्र करे कि पीटीआई दस्त का शोगी थी वरना ये सारे वोट तो उनके भाजी पिछली बार इन्होंने 1700 वोट पे आज इसे हल्के जो वाह इस बार तो 34000 पे है 32-33000 पे गया बड़ा है इसमें लम्हा फिक्रिया हम पहले सेगमेंट में भी कह चुके हैं नवाज लीग के लिए वो कहां से कहां आ गई लाहौर से ये तवक्को नहीं थी इसका मतलब ये सबसे मायूस हुए बैठे हैं आवाम बिल्कुल वो ना इधर खुश है ना उधर खुश है इनकी मायूसी हम दूर कर देते हैं जी जी और जिस काम के लिए ये आए हैं क्या सब आज आपका गला खराब है कोई बात तो क्या हुआ दिमाग तो खराब नहीं है आजकल जरा धक्का स्टार्ट हो गया गला खराब है मैं लगता गले की वजह ना जुतियां पैनियां अलर्ट हो जा नहीं नहीं बेटे ये बताओ कि ये जुराबें जो है वो हमेशा धोकर क्यों पहननी चाहिए क्यों पहननी चाहिए बीच में डिस्टर्ब हो जाता शूज नहीं नहीं आप सुना चुके हैं जवाब सुनाइए उस्ताद चगर से बेटे ये बताओ कि जुराबें हमेशा धोकर ये क्यों पहननी जानी चाहिए शागिर्द क्योंकि अगर कामयाबी कभी आपके कदम चूमने आए तो वो बेहोश ना हो जाए फोकस 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 ओहो तो समझे कहने में वो पता क्या आद है और मुझे पता है क्या आद है आप सुन अक्सर ये होता है कि जब जुराबे आप ये ज्यादा दिन पहन लें रुखसाना जी छोड़ नहीं ये बातें गैदरिंग में करने वाली जो कर रहे हैं आप गैदरिंग नहीं होता कहा क्या गैदरिंग गैदरिंग अच्छा गैंटिंग से कुछ याद आता है आपको ओए आपके कायदे मोहतरम खुदा दा वास्ता यार एक दफा मैं जरा बता खुदा दा वास्ता है ये आपने नहीं बताना है भाई वरना कहेंगे कि मैंने आपको समझा करें फिर आप वादा करें कि लतीफा नहीं सुनाएंगे करो चा एक और आखिरी बस चले मैं भी एक शॉट गेंटिंग में जो आखिरी शॉट खेली गई थी यार प्लीज 10,000 की आखिरी शॉट ओहो बस ठीक है इतनी थी गई ना यार थी गई बस थी गई प्लीज इमें तरह कर यार उस्ताद अगेंस्ट से ये लानत है तेरी जिंदगी ये उस्ताद ने कहा इतनी जोर से मारा है मेरा गला ठीक हो गया अच्छा मेरे ताए का भी गला खराब सी भाई बड़ा खंगदा सी पूरा मल्ला उहदे कोल तंग सी तो कैसे ठीक हुआ मैं उन फेर मारता सी और मेरा गला बिल्कुल ठीक है प्लीज जी मुर्शिद अपने काम पे ध्यान दीजिए उस्ताद शागिर्द से बेटे ये पैसे डबल करने का तरीका बताओ अगर दादाई के सो की मसला होता शागिर्द दा ये क्या है मैं की पता मैं को बीए कीता होया मेरा ओ तो भी पैड़ा हाल में तो ना पूछी शागिर्द उस्ताद आप ऐसा करें कि अपने सारे पैसे यार क्या कर रहे हैं आप